साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है। उद्धव ठाकरे गुट के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं और इतने खराब हैं कि अब उद्धव गुट पर पूरी तरह से खात्मे की तलवार लटकने लगी है, संभावना साफ दिखने लगी है, क्योंकि अब तो उनकी पार्टी को उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि शिंदे सरकार में शामिल होना ही होगा और अगर नहीं हुए तो फिर खेल खत्म, पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे के पास अब सिर्फ 3 विकल्प बचे हैं। जी हाँ, 3 ऑप्शन ही बचे हैं और इस बार नहीं माने तो सब कुछ हाथों से चला जाएगा। तो कैसे चारों तरफ से घेर लिया गया उद्धव ठाकरे को, कैसे खेल हो गया खत्म और फिर तिल मिलाकर क्या बोल पड़े उद्धव ठाकरे, क्या है वो 3 विकल्प जो कि अब सिर्फ बचे हुए हैं, आपको सब कुछ दिखाते हैं बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने जो लकीर खींची है उसके बाद उद्धव ठाकरे गुट के अस्तित्व पर ही, उनकी पार्टी के अस्तित्व पर ही संकट आ गया है, क्योंकि पार्टी के तौर पर उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और ये साफ कर चुके हैं स्पीकर। शिवसेना सिर्फ और सिर्फ शिंदे गुट वाली है, ये स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बिल्कुल साफ कह दिया। जिसके बाद की कहानी ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के चीफ व्हिप गोगावले ने भी बड़ा ऐलान कर दिया और अब उद्धव गुट को महाराष्ट्र की सरकार में शामिल होना ही होगा। उनके विधायकों को हर हालत में शिंदे सरकार की, मुख्यमंत्री शिंदे के आदेशों को मानना ही होगा और नहीं माने तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं। यह कहें कि ना विधायक ही बचेगी ना ही पार्टी। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट तिलमिला गया। तिल मिलाकर उद्धव ठाकरे क्या बोले वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि उनके पास विकल्प क्या बचे हैं। पहला विकल्प सिर्फ और सिर्फ कानूनी लड़ाई। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को लेकर सियासी जानकारों का मानना है कि स्पीकर के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना को कानूनी चेतावनी यहाँ पर, या कहेंगे कानूनी यहाँ पर एक तरह से सीधी सीधी लड़ाई लड़ी जा सकती है। उद्धव ठाकरे के पास कानून का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जाना होगा, क्योंकि अयोग्यता के मामले में स्पीकर के खिलाफ पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में कितनी राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कह नहीं सकते, लेकिन हाँ उनके पास ये पहला और बड़ा विकल्प बचा हुआ है। उद्धव ठाकरे के पास दूसरा विकल्प है जनता की अदालत, क्योंकि अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं, फिर विधानसभा चुनाव भी होने, तो इसीलिए उद्धव ठाकरे यहाँ पर कानूनी लड़ाई के साथ साथ जनता की अदालत में भी इस मुद्दे को लेकर जा सकते हैं। अपने पिता बाला साहब के नाम पर रोक आ सकते हैं, सिंपैथी हासिल कर सकते हैं, कह सकते हैं कि बाला साहब की बनाई पार्टी दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, मराठी मानुष की सहानुभूति लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जनता की अदालत में उनको कितना समर्थन मिलेगा ये भी कह नहीं सकते, क्योंकि विरोधी गुट भी पूरी तरह से खुद को बाला साहेब का उत्तराधिकारी कहता है। लिहाजा पलड़ा यहाँ पर एक तरह से बराबर बना हुआ है। तीसरा विकल्प बचा है चुनाव आयोग के पास जाना नई पार्टी के लिए। जी हाँ, शिवसेना के चुनाव चिन्ह और पार्टी की लड़ाई में वैसे ही चुनाव आयोग शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुना चुका है और स्पीकर के नए फैसले ने भी उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। तो लेकिन यहाँ पर अगर उद्धव ठाकरे नई पार्टी के लिए चुनाव आयोग के पास जाते हैं तो लोगों में, जनता में ये संदेश जाएगा कि वो हार चुके हैं, उन्होंने हार मान ली है, लिहाजा नई पार्टी बना रहे हैं, तो ये संदेश वो शायद देना नहीं चाहे। इसीलिए उद्धव ठाकरे यूबीटी नाम से अगला चुनाव हो सकता है वो लड़ लें और पार्टी पर कब्जे की लड़ाई वो भी आगे भी लड़ते रहें। ये 3 विकल्प यहाँ पर बचे हैं, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से तिल मिला गए। उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि वो विरोधियों को मिट्टी में मिला देंगे और बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द, इसी महीने जनवरी के महीने में बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ ऐलान किया कि विरोधियों को इसी महीने बहुत कुछ दिखेगा, बहुत कुछ समझ में आएगा और उनको आगे अपना भविष्य भी दिख जाएगा कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। यानी कि उद्धव ठाकरे इस महीने जनवरी के महीने में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। शायद उन्हें भी इंतजार 22 जनवरी का है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके बाद ही उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा ऐलान या कहीं कुछ बड़ा कदम यहाँ पर उठाया जा सकता है, जिसका इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। तो क्या बड़ा करने वाले उद्धव ठाकरे, क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे कि शिंदे गुट हो जाएगा पस्त, आप इस पर क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को चारों तरफ से घेर कर उनका खेल खत्म कर दिया गया है? आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।